जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ खास बुक्स, यानी आपके लिए चार पांच बुक जो कलेक्शन है सबसे शानदार कलेक्शन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड रहती है कि सर कौन सी बुक हम ले, कौन सी बुक सबसे बेस्ट है, कौन सी बुक को हमको तैयारी करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ खास बुक यानी चार पांच बुक बताने वाला हूँ। अगर आप उनसे तैयारी कर लोगे तो गारंटी है मेरी SSGD में आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर जो बच्चे बुक्स पढ़ना चाहते हैं और जो चाहे ऑनलाइन तैयारी करते हैं या कहीं से भी तैयारी करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, उनके पास में भी मैं बोल चुका हूँ बुक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर भी सीखोगे ना, उससे भी कोई मतलब नहीं है अगर आपके पास में बुक नहीं है, क्योंकि सेल्फ स्टडी के लिए आपको बुक चाहिए चाहिए। आप पूरे दिन ना ही तो फ़ोन पे वीडियो देख सकते हो, ना ही कोचिंग में पढ़ सकते हो, ना ही ऑफलाइन पढ़ सकते हो, बिना बुक के ना ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये अगर चार पाँच बुक आपने खरीद ली तो आपको SSGD में कोई भी नहीं रोक सकता, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। क्योंकि SSGD का जो पेपर होता है ना बेटा, वो हमने दिया है तीन बार पूरे सब पेपर देखे आज तक के, पिछली वैकेंसी में जो हुए हैं 2018 वाले, वो पूरे के पूरे पेपर देखे। इनका जो लेवल रहता है वो इन बुक से बाहर नहीं रहता है, ठीक है। तो केवल आपको ये बुक्स प्रिपेयर कर लेनी है। अगर आप ये बुक्स प्रिपेयर कर ले तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, तो गारंटी है मेरी आपको कोई नहीं रोक सकता और इनसे बाहर भी कुछ नहीं आता। यहाँ तक कि इन बुक्स के पढ़ पढ़ के बच्चे 95 तक स्कोर करते हैं, 95 भी स्कोर करते हैं। तो सोचिए कंपटीशन जैसे एग्जाम में 95 स्कोर करना, 92 स्कोर करना, और उनसे जब आप पूछोगे कौन सी बुक है, तो जब मैं चार पांच आपको बुक के नाम बताने वाला हूँ, इनसे एक भी बाहर नहीं होगी। SSGD का फिक्स पैटर्न है, फिक्स पैटर्न पर उसके पेपर आते हैं, तो बस इन बुक से बाहर नहीं जाता। और इन बुक्स को आपको पढ़नी पड़ेगी बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। क्यों पढ़नी पड़ेगी? केवल कोर्स की भी आपको सब कुछ याद नहीं होता, एक बार वीडियो देख के सब कुछ याद थोड़ा ना होता, उसके लिए सेल्फ स्टडी चाहिए। जिस टॉपिक का वीडियो देखा उसके फिर आपको बुक भी पढ़नी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। तो बुक पढ़नी पड़ेगी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। है CTGD, SSGD, ठीक है, एक जनरल ड्यूटी की है, लेकिन इसका कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होता है। अगर जो मेहनत करेगा ना, 60 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, उसमें से केवल 60,000 लोगों को लिया जाएगा। तो देख लीजिए कितना कंपटीशन है, कितना बड़ा कंपटीशन है। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ यहाँ पर, कि एक डिफेंस 90 लाने वाला हूँ, उनका विशेष ध्यान से रखिए। ये जो बुक्स है इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते। दोस्तों, GK के लिए मैं कई बार बोल चुका हूँ, GK के लिए सबसे बेस्ट बुक है लूसेंट की गाइड बुक, जो बड़ी वाली आती है थ्योरी वाली, वो बुक आपके पास में अलग से होनी चाहिए। लूसेंट के लिए जो बुक होती है, लूसेंट की जो थ्योरी वाली, वस्तुनिष्ठ वाली नहीं, थ्योरी वाली, जिसमें टॉपिक वाइज दिया गया। अब जो भी चीज़ ऑनलाइन वीडियो में देख रहे हो, उसके बाद में उस टॉपिक को उस बुक में जाके हमेशा पढ़ना है, पूरा एज इट इज मिलाना है, तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा पक्का। दूसरा, लूसेंट के अलावा अगर आपको वस्तुनिष्ठ या ट्रिकी बुक पढ़ना है, यानी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछने, तो दोस्तों एक छोटी बुक भी आती है जिसमें क्या होते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, वो केवल उस लिए कि आप रिविज़न कर सको, ठीक है, ना कि पढ़ाई मेन, वो केवल रिवीजन के लिए। अभी आप उसको परचेज ही ना करो तो भी बेटर रहेगा। अभी प्रेजेंट टाइम में एक आपके पास में होनी चाहिए लूसेंट, ठीक है। दूसरा, जो ज़्यादातर बच्चों के जो क्वेश्चन रहते हैं, मैथ तो रीजनिंग के लिए रहते हैं कि सर मैथ तो रीजनिंग के लिए कौन सी बुक ले। दोस्तों, आप कोई भी मैथ का वीडियो देखते हो तो आपको देखना है कि जो बंदा पढ़ा रहा है, जो बंदा पढ़ा रहा है वो किस बुक का सिलेबस पढ़ा रहा है, तो आपको वही बुक ही परचेज करनी है। पता है क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई इंसान है, वो आपको पढ़ा तो कोई और बुक आ रहा है, RS अग्रवाल का पढ़ा रखा है, या तो और आपके पास में बुक है रामनिवास माथुर की, तो उनके दोनों के मेथड ही मैच नहीं करते हैं, ठीक है। हर एक बुक का एक अलग मेथड होता है, अलग तरीका होता है क्वेश्चन करने का, सभी के अलग अलग तरीके, अलग अलग फॉर्मूले। अगर आप राकेश यादव के क्लास नोट पढ़ते हो या उसकी जो बुक है तो वो पढ़ते हो, तो उसमें और जो आप बोर्ड पे पढ़ोगे किसी और टीचर से, उनमें बहुत फ़र्क रहेगा। फिर इसकी वजह से आपके दिमाग में काफ़ी असमंजस रहेगा, ठीक है। हाँ, जो इंटेलिजेंट बच्चे हो तो पकड़ लेते हैं दोनों को ही, और दोनों तरीक़ों से सीख जाते हैं। लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं या पहली बार तैयारी करें, तो दोस्तों आप जिसका ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं उसी की ही वही बुक लें, कि वो कौन से बुक की थ्योरी, या उनसे सजेस्ट कर लें कि सर कौन सी बुक उठाएं। और मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत जल्दी मैं आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, और सभी सुविधाएँ रहेंगी उसमें, सब कंप्लीट हो गया, जल्दी ओपनिंग करने वाला हूँ, 2-4 दिन के अंदर अंदर बढ़िया ओपनिंग करने वाला हूँ मैं। तो तब तक आपको मैं बता दूंगा, उस समय मैं बुक भी बता दूंगा कि कौन सी बुक का सिलेबस चलेगा अपने चैनल पर, तो उस समय उसी बुक को आप परचेज करें। उस बुक से क्या होगा कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, वही चीज़ पढ़नी है वो इधर पढ़नी है, ठीक है। दूसरी बात, मैथ के लिए कौन सी बुक लेनी है, अगर आप चाहो कि अगर ऑनलाइन क्लासेज नहीं ले रहे और फिर कौन सी ले, तो दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूँ आपको रामनिवास माथुर, ओनली SSGD के लिए। इसमें काफ़ी अच्छे दिए हुए ट्रिक्स दिए हुए,
ठीक है, जो कमज़ोर बच्चों के लिए काफ़ी मदद करते हैं। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा अगर होशियार है तो राकेश यादव के कलाठ नोट्स भी पढ़ सकता है, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो रामनिवास माथुरिया और राकेश यादव के कलाठ नोट्स चाहो तो दोनों पढ़ सकते हो, और चाहो तो दोनों में से एक कोई भी पढ़ सकते हो, दोनों ही अच्छे हैं अंक गणित के लिए। ठीक है, आर एस अग्रवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको समझने में भी, क्योंकि जो कमज़ोर बच्चे हैं ना उनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो मैथ के लिए दो बुक, रीजनिंग के लिए बेटा बहुत सारी पब्लिकेशन की, बहुत सारी रीजनिंग की छोटी छोटी बुक आती है, तो उन बुक में से आप अभी प्रेजेंट टाइम में एक बुक ले लीजिए। आपको रीजनिंग की निरंतर बुक लेनी है और अलग अलग पब्लिकेशन की लेनी है, एक ही पब्लिकेशन की नहीं, क्योंकि जो रीजनिंग की क्वेश्चन आते हैं वो बहुत सारे टाइप के आते हैं। तो पहले देखना, इसमें एक बुक लेना रीजनिंग की, उसमें मिलाते रहना, जब वो कंप्लीट हो जाए तो दूसरे पब्लिकेशन की बुक लेना, ताकि आपको उनका पूरा माजरा समझ में आ जाएगा रीजनिंग का। तो रीजनिंग क्योंकि वो तो काफ़ी सारी है, इसलिए अलग अलग बुक लेनी है रीजनिंग की। ठीक है, हिंदी की बुक अभी आपको वैसे ज़रूरत है नहीं लेने की, लेकिन फिर भी आप हिंदी की बुक लेते हो दोस्तों, हिंदी की एग्ज़ाम कार्ड की एक बुक आती है हिंदी की, शानदार बुक है, वो भी टॉपिक वाइज दिया हुआ उसमें, बहुत ही अच्छी बुक है, वो भी आप जाके ले सकते हो हिंदी की। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन रहता है सर हिंदी की कौन सी बुक ले, तो उसके लिए मैंने लिंक भी दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके जब आप चेक करोगे लिंक पे अमेजन पे जाके, तो वहाँ पर आप ऊपर नीचे करोगे तो वहाँ पर एक हिंदी लिखी हुई और एसएससी जीडी के लिए स्पेशली वो बुक आपको मिल जाएगी, तो वो आप परचेज कर सकते हो हिंदी के लिए। ये बुक्स आपके पास में होनी चाहिए अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो अभी से, चाहे नए सिरे से ही तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, तो अगर ये बुक आपके पास में होगी तो बेटा आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, चाहे वीडियो देखते हो, चाहे ऑफलाइन कोचिंग करते हो, लेकिन बुक्स आपके पास में होनी चाहिए, और जो टॉपिक आप वहाँ पर देखते हो, चाहे फ़ोन में देखते हो या जहाँ पढ़ के आते हो वहाँ देखते हो, तो उसके बाद में इनको बुक्स में पढ़ना ही पढ़ना है, 101% पढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।